मैं शहरियार से बात कर रही थी। शहरियार और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कोमल तुम अभी प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। तुम्हारी यही सजा बनती थी। सिर्फ एक काम था तुम्हारा, मुझे ईश्वर के करीब रखना। वो भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सजा से ज्यादा होनी चाहिए। फोन याद है तुम्हें? कितनी खुशी से लेके दिया था तुम्हें, और तुमने मुझे इसे तोड़ने दिया। हाउ कुड यू लेट मी डू दैट ईशु? मेरी दी हुई चीज को कोई भी तोड़ दे, बर्बाद कर दे, तुम उसे करने दोगी? मैं इस फोन से खफा नहीं, तुमसे खफा हूं। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मनाओ मुझे, गाकर मनाओ अभी। गाओ, यहां ये जगह ज्यादा मुनासिब है। अब गाओ। रुकते हो तुमको
ऐसे ना हो पिया, बोलो ना, बोलो ना। क्या हुआ, रुक क्यों गई? Carry on. And this time, a little louder. रोते हो तुमको कैसे आऊं, बोलो ना, बोलो। पता है एक बार क्या हुआ, मुझे ना एक फेक कॉल आई, वो इनाम जीतने वाली। मैं तो फोन सुनता ही समझ गया कि कोई उल्लू बना रहा है, पर मैं बोर हो रहा था तो सोचा चलो किसी की क्लास ले लेते। अब फोन की दूसरी जानिब ना एक लड़की थी। अब मैंने उसकी बात पूरे गौर से सुनी कि यहाँ जाना है, यहाँ से इनाम की रकम लेनी है, फला जगह SMS करना है, फला को मिलना है। बोलती गई और मैं सुनता चला गया। वो इसलिए कि सामने वाले को लगे कि भाई सही वाला मुर्गा फंस गया कोई। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं उसे प्रॉमिस किया कि उसे 8-10 लोगों को रेफर भी करूंगा। अब फोन सुनते सुनते बात आखिर तक पहुंच गई। अब फोन काटने से पहले मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाया पूरी रोबदार आवाज में। मैंने उसे कहा कि तुम जानती हो मैं कौन बात कर रहा हूँ। वो बोली कौन? मैंने बोला DSP शहरयार। और उसके बाद आंटी उसने ऐसा फोन बंद किया कि एक हफ्ता ट्राई करता रहा मैं, फोन ऑन नहीं किया उस लड़की ने अपना। आपको डर नहीं लगता? ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अरे डर किस बात का, जब डर लगे या कोई भी मुसीबत खड़ी हो तो मस्कीन सी शक्ल बना के बोल दो I'm sorry, बात खत्म। पागल है। तुमने खा लिया? जी लाए मुझे। अरे आंटी आप रहने दीना, मैं करता हूँ। अरे बेटा छोड़ो, ये मर्दों के काम नहीं है। आंटी औरतों के सारे काम सीख रखे हैं मैंने, क्या पता कब खातून खाना की खिदमत करने का मौका मिल जाए। अच्छा तो और कौन कौन से काम तुम्हें आते? मैं आंटी और खाना बना लेता हूँ, और इस तरह बर्तन समेट लेता हूँ, फिर इन बर्तनों को धो भी लेता हूँ। इसके अलावा मुझे झाड़ू लगाना आता है, और पोछा मारना आता है, और बहू की तरह बुराइयां करनी आती है, और मेहमानों की तरह घंटा घंटा बाहर दरवाजे पे खड़े रहकर बातें कर लेता हूँ। और एक्सक्यूज मी आंटी, हाँ हेलो जी, जी मैं आता हूँ। आई एम सॉरी अंकल, आंटी मुझे जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे कैसे, चाय पी के जाना। अरे आंटी चाय के लिए शुक्रिया, लेकिन जाना जरूरी है, और अगली बार आने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए ना। अरे बेटा तुम्हें बहाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर, जब दिल करे आ जाना। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी बातों में बड़ी अपनाइयत है, लेकिन फिलहाल जाना पड़ेगा, दोबारा जरूर आऊंगा। चलो ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूं। जी क्या रह गई है मेरी जिंदगी, ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जिसकी सजा हर सांस में मिलती है मुझे। क्या कसूर है मेरा, किस तरह सजदा करूं कि तुझे मुझ पे रहम आ जाए। कभी दुआओं में वो असर नहीं रहा, क्या मेरे गुनाहों का बोझ बढ़ गया है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कहाँ थे तुम? सर वो मैं ईश्वर मैम के घर गया था।
ईशल का घर ये है, वो यहाँ रहती है वहां नहीं। मैं जानता हूँ सर, लेकिन वो तुम उनकी नौकरी करते हो या मेरी? आपकी नौकरी सर। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, ईशल को यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। I will try my best. 1 week. अस्सलाम वालेकुम आपी। शर यार वहां पे था? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं वो। क्यों? साहिर को शायद पता चल गया। किस बारे में? तुम दोनों के बारे में। तो क्या हो गया आपी? एक ना एक दिन तुम्हें पता चलना ही था। कोमल तुम अभी सबसे दूर आओ, तुम्हारी उम्र नहीं है सब में पढ़ने की। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि आपकी इस उम्र में मंगनी हो गई थी। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, बस इतना जान लो सही बताने पे मैं खुद साहिर से बात करूंगी, लेकिन तब तक तुम अपने जज्बात पे काबू रखो प्लीज। अच्छा ठीक है। ईशल बात करनी है तुमसे। देखो ईशल, मैं जो भी कहूंगा सुन के तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन कहना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये बातें घर के बड़े तय करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आई नो तो मेरी फीलिंग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इसीलिए कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं ईशल कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी कभी नजदीक नहीं आएगी। मैं भी ना, आई नो इट साउंड्स क्लीशे, सब धक्के मुसीबतें लगती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं पूरे दिल से बोल रहा हूं, भरोसा करती हूं मुझ पर। ईशा, डू यू ट्रस्ट मी? नहीं ईशल, ऐसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे हिम्मत चाहिए, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा साथ देना होगा। साथ दोगी ना मेरा ईशल? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, साथ दोगी ना मेरा? Yes, I knew it. मैं जानता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। God, I love you, Isha. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अमर, आज जो एक और लफ्ज निकाला तुमने अपने मुंह से मेरे लिए, मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? जवाब दो। मैंने हमेशा तुम्हारे मजाक को, तुम्हारी शरारतों को नजरअंदाज किया है, और तुम्हारी नजरें ये तलाश कर रही है मुझ में। मैं शादीशुदा हूं, किसी की बीवी हूं, तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई मुझसे सब कुछ कहने की?
मेरे बारे में सब कुछ सोचने की। How dare you, शेरियार? तुम्हें कितनी इज्जत दी है? तुमने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें बर्दाश्त किया। लेकिन अब और नहीं। अगर आइंदा तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा या मुझसे ऐसा कुछ कहा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोमल मेरी बहन है। अगर तुमने उसके साथ कोई भी खेल खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करना चाहते हो? धोखा देना चाहते हो? उसे हर्ट करना चाहते हो? बोलो। अगर मेरी बहन को तुमने जरा सी भी तकलीफ दी ना शहरयार, तो तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर आज के बाद तुमने कोमल से बात की या उसके आसपास भी नजर आए ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीर सुनावा असी अज कल ले जिल चंद कला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीर सुनावा असी अज कल ले जिल चंद कला। दिल है या सहरा है थर मौला खुश्क निगा है रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। ईशा,